परसेंट ग्रोथ रह गई है। ट्रैक्टर का जीएसटी ये संदा का जीएसटी ये महंगे भाव दिया खरादा इन्हों मिलना तो किसान जावे तो जावे कितने कोई जवाब तो दो तुम सोनू तैयार नहीं दे तुसी किसानी के तिना बिलों से बोलने का मौका दिता फार्मर का जरा एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस से ऑर्डिनेंस 2020 लैके आए हैं। मैं इसका बहुत बड़े तरीके दे नाल विरोध करदा हां। अज करोना की महामारी दे विच जिथे किसान ने सारे देश नूं अन्न दिता किसान दे वल्लों भंडार किया अन्न 80 करोड़ लोगों नूं खवाया गया अज वो किसान सड़कों के उत्ते रुलिया फिरदा आ। करोना महामारी के नाल ते किसान भावें ना मरे पर तुहाडी इन्हां बिलों की महामारी के नाल किसान जरूर मरेगा। ये गल अज तुसीं नोट करके लै दिओ। किसान दीआं जथेबंदियां सड़कों के उत्ते उतरियां ने किसान की हालात तुसीं एग्रीमेंट करन दी गल करदे जे 100 साल पहला चंपारण सत्याग्रह जिहड़ा महात्मा गांधी जी ने किसानों के हक च शुरू किया नत्थू राम गौड़से दे जिहनूं पूजन वाले लोग सुन लैण इन्हां दी पार्टी उदों देश दी आजादी दे विच कोई हिस्सा नहीं सी पाया मुढ बन्निया सी किसानां दे नाल नील जिहड़ा पैदा करदे सी किसान सर अंग्रेजी कंपनियां ने फैक्ट्रियां वालियां दे नाल मिल के किसानां ते शोषण किया ते महात्मा गांधी जी दी अगवाई दे विच वड्डा अंदोलन किया गया। वह किसान जिन्हें 80% आजादी दे विच हिस्सा पाया होवे पिंडां दे लोकां ने जिन्होंने 80% अनाज पैदा करके देश का अन्न भंडार भरिया होवे जिन्होंने 47 तो पहला एक सुपना वेख्या होवे चंगे भारत का अज उस किसान के हाथ दे विच एग्रीमेंट के नाँ के नाल ठूठा फड़ाउण जा रही है ये बीजेपी सरकार। मैं इस बिल की कोर विरोधता करदा हां। ये वो किसान है जिन्हों तुसी एग्रीमेंट करना चाहते जे 42.4% खेती उत्पादों के नाल लोगों का ढिड भरता है चाहे घरेलू उत्पादन खेती देता हिस्सा 16% है पर 50% तो वध लोगों रुजगार दिता है। ये किसान की हालत यही है समय ने किसान के नाल साथ नहीं दिता 3-4 रुपये मजदूरी होंगी जी 70-71 दे 150 रुपये महीना लैन वाला नौकरशाह 26,000 लैन लग गया 175 गुणा वाधा हो गया। किसान किसान जिहदी कणक 75 रुपये विकदी सी सिर्फ 1925 रुपये 25 गुण वाधे नाल गुजारा कर रहा। मैं कहना चाहुंदा उह किसानां जिहदे पुत बार्डर दे उत्ते तुहाडी सुरक्षा करदे है जिहड़े कारपोरेटां नूं तुसीं वेचना चाहुंदे जे हिंदुस्तान नूं उह अज तां अपना व्यापार कर पा रहा क्योंकि किसान का पुत बार्डर दे उत्ते बैठा आ किसान का पुत फौजां दे विच अपना सीस दे रहा आ। इस करके उस किसान की आवाज़ जरूर सुनी जानी चाहीदी है। ये मारू एग्रीमेंट जड़े है ये अनपढ़ किसान वो किसान जरा अपन धियां करजे लैके ब्याहुंदा आ वो किसान जरा ट्रैक्टर करजे ते लैंदा आ जरा खेती दे संद करजे ते लैंदा आ उहदा मुकाबला किहदे नाल कराउण जा रहे ने उहदा मुकाबला तुसीं विजय माल्या दे नाल ललित मोदी वर्गे आ संजय भंडारी वर्गे जिहड़े इन्हां दी पुश्त पणाई दे हेठ बैंकों का कर्जा मार के भज गए कोई एग्रीमेंट कोई काम नहीं आया तुसीं उन्हां नाल मुकाबला करना चाहते। माफ करना मैं स्पीकर साहब मैनूं 2 मिनट जरूर चाहिए है अज ये मगरमच्छ के अथरू बहाउण आ गए बादल साहब ये गल कर रहे हैं किसान की ये 25 एकड़ तो हजारा बसों का फ्लीट इन्होंने बनाया इन्होंने 5-स्टार होटल ये किसान की गल करे इन्होंने किसान दे जिहदे नाल एग्रीमेंट करना चाहते जे उन्होंने जो 80 ते 90 के दहाके तो लैके किसानों दी लाशें दे राजनीति करनी चाहते स्पीकर साहब प्लीज़ मैनू 2 मिंट जरूर दिओ किसान सड़कों के उत्ते उहदी गल रखण का मौका जरूर दिओ। मैनू मैं कहना चाहुंदा हां पानीआं दा मुद्दा अज किसान हरी क्रांति दे नां दे उत्ते पंजाब दे कोलों लखां टन अनाज पैदा करा के पंजाब दा पानी धान की खेती करके मुक गया अज किसान 15 लाख ट्यूबवैल ला के बंजर हो गया हरियाणे दे नाल साडे पंगे पए आ आ नीति घाड़े नीति जोग वाले इत्थे बह के फैसले कर दिंदे आ उन्हां नूं पुछो साडे पानी दरियावां दे सानू दे दिओ सानू तुहाडियां सबसिडियां दी लोड़ नहीं बिजली दे उत्ते किसान बिजली दा बिल कित्थों दवे करजाई होया किसान। मैं कहना चाहुंदा आप जी नूं कि इह जिहड़े हालात इत्थे पैदा होए ने प्राइवेट कंपनियां दे नाल बादल साहब ने समझौते किए से इन्हां नूं पुछ लो बिजली दे एग्रीमेंट होए सी
अज तक असी उन्हां तों महंगे भाव ली बिजली खरीदण लई मजबूर है। गन्ने दीआं फैक्टरीआं वालिआं दी गल कर लो, गन्ने दीआं मिलां वालिआं ने पहले परची दिंदे आ, किसान लाइन च लगदा आ, अपनी मर्जी दे नाल उधर कट लाउंदे आ, ते फिर सालाबंदी उन्हां नूं पेमेंट नहीं हुंदी। स्पीकर साहब, यह बिल तुहाडे किसी काम नहीं आने, इन्हां दे किसी राज सरकार का कंट्रोल नहीं हैगा। पंजाब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भावें पंजाब दे पाणीआं दी गल होवे तां इस्तीफा दित्ता, खेती दे विरुद्ध बिल लैके आए, पंजाब दे पाणीआं दे विरुद्ध बिल लैके आए, अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी गल करदे ने इत्थे बैठे। मैं कहना चाहुंदा, माफ करना प्लीज कंक्लूड कर रहा। यह बीजेपी सरकार जिन्हें गुजरात दे विच किसान साडा उजाड़िया, यह खेती बाड़ी दे, मैं दसना चाहुंदा सर, कोई किसान है जिहदे नाल तुसीं एग्रीमेंट करना चाहुंदे जे, जिन्हें 2009-4 2.2% ग्रोथ दिती, ते अज बीजेपी वेले 2004 दे विच 2.5% ग्रोथ रह गई है। ट्रैक्टरां दा GST इहदे ते, संदां दा GST इहदे ते, महंगे भाव दीआं खरदां इहनां नूं मिलणा, ते किसान जावे ते जावे कित्थे? कोई जवाब ते दिओ, तुसीं सानूं तैयार नहीं जे, कोई उहनां नाल गल करन नूं तैयार नहीं गा। अज तुसीं UPA गवर्नमेंट दी गल करदे जे, चाहे 75,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्जे माफ किए। माफ करना सर, मैं कंक्लूड कर जा रहा, मैंने पता है मेरे को टाइम घट है, पर रोना साडा कौन रहूगा जे असी नहीं सुनांगे। मैं दसना चाहना है, MSP दी तुसी गल करते जे, जो एग्रीमेंट हो गए, प्राइवेट मंडिया सैट हो गई, MSP रहूगी कितने? जिहड़ियां स्टेटां दे विच MSP नहीं लागू, उत्थे अपने तजर्बे तुसी कर सकते जे। मैं कहना चाहना तुहाडे राज स्पीकर साहब, माफ करना, एक मिनट की गल है, मैं गल मुका रहा अपनी, मैं कहना चाहना किसान का कुल कर्जा माफ किया जाए, MSP नूं एग्रीमेंट दे विच लैके आंदा जाए, ताकि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू।